सुधर जाओ। बीते कुछ समय में देखा गया है बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों को रिलीज से पहले मूल फिल्मों को थिएटर में रिलीज किया जाता है, ताकि दर्शक नई फिल्मों से जुड़ने से पहले पिछली फिल्म को देख लें। हाल ही में हॉलीवुड की अवतार 2 थिएटर में रिलीज से पहले 13 साल पहले अवतार को रिलीज किया गया और इसने अच्छी कमाई की। इससे पहले बाहुबली 2 से पहले कुछ हफ्ते पहले बाहुबली को थिएटर में लगाया गया। अब बारी गदर एक प्रेम कथा की है। साल 2001 की ये फिल्म सनी देओल और मीशा पटेल स्टार्टर फिल्म फिर से थिएटर में आने के लिए तैयार हो रही है। खबर है कि निर्माताओं ने गदर एक प्रेम कथा में डिजिटल सुधार करके उसे एक बार फिर वर्ल्ड वाइड रिलीज करने का फैसला किया है। फिल्म 15 जून को रिलीज की जाएगी। मजे की बात यह है कि 21 साल पहले इस फिल्म को इसी तारीख को रिलीज किया गया था। रिलीज की वजह यही है कि बीते 21 साल में सामने आ चुकी दर्शकों की एक पूरी पीढ़ी इस क्लासिक मूवी का थिएटर में मजा ले सके। इसकी रिलीज के करीब 2 महीने बाद सीक्वल को रिलीज किया जाएगा, यानी कि गदर 2। 11 अगस्त को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। गदर 2 का निर्देशन भी पहले पार्ट की तरह अनिल शर्मा ने ही किया है। गदर 2 को जिस स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था, उल्लेखीय है कि गदर 1947 में विभाजन की त्रासदी के दौरान एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह की मुस्लिम लड़की सकीना से प्रेम कहानी है, जो पाकिस्तान से सकीना को हिंदुस्तान लेकर आता है। सूत्रों के अनुसार गदर 2 की कहानी 1971 में बताई गई है। इसमें तारा सिंह एक बार फिर से पाकिस्तान जाता है, मगर युद्ध में कैद कर लिए गए अपने बेटे फौजी को छुड़वा कर वापस लाने के लिए। सनी देओल और अमीषा पटेल पिछली फिल्म की तरह सिक्वल में भी लीड रोल निभा रहे हैं। 2001 में बॉक्स ऑफिस पर गदर की टक्कर आमिर खान की फिल्म लगान से हुई थी, मगर वह दौर अलग था और दोनों की फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.